नहीं उड़ सकता, मैं नहीं उड़ सकता, मैं नहीं उड़ूंगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तोता किस तरह से बातें करता, तोता कहता है कि भाई जश्न आजादी मुबारक आप सबको, आप दोनों को भी जश्न आजादी मुबारक। ओ नहीं, ये लोग कहां से आते हैं? कोई तो बता दो, कोई तो बता दो गाइस। ओके, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। आई लाइक योर पिक्चर बीना। ये कोई तरीका है भीख मांगने? गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। आप लोग सुना ठीक हैं? सुबह का टाइम है, खैर नाश्ता तो मैंने कर लिया और जिस तरह की हवा चल रही है चाय बिना तो बनती है फिर। हवा भी बड़ी मज़ेदार चल रही है और मौसम बड़ा आउट क्लास हो रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना छत की टॉप पर बैठ के चाय पी जाए, क्योंकि सर्दी को इंजॉय जब तक नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने कहा चलें आज यहीं से करते हैं स्टार्ट। ये पीछे देखे मेरे ये सारे और यहाँ हम बैठे हैं, चाय पीने, ठंडी ठंडी हवा के अंदर गर्म गर्म चाय का अलग ही मज़ा है। आ जाए आप लोग, अगर आप लोगों ने पीनी चाय तो मेरे साथ। और सुनाए कैसे? मैंने सोचा है कि आज कुछ ना कुछ नया करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए क्या अपने लिए भी करेंगे। सबसे ये ना अच्छा एक चीज़ और है, सर्दी में सबसे मुश्किल तरीन जो काम है ना वो मेरा ज़्यादा ख्याल है। आप लोग बताएं गैस करें क्या है वो? करें? अरे भाई नहाना है सबसे मुश्किल काम। अच्छा हमको सिखा दिया है। तो मैंने कहा आज ये चैलेंज, हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया मैंने और आज भी नहाने जा रहा हूँ भाई। तो मजाक करो यार, मजाक करो, समझा करो, समझा करो यार, क्यों मेरी बात को ऐसे लिखते हो जैसे मैंने गलत बात कर दी। आप देखें मौसम, देखें कैसा कमाल हो रहा है, बादल हो रहे हैं। कहा चले चाय पीने की ताकत रखने की काम कर ले। ये जैसा आपको घर में बता रहा है, ये घर वाले हमारे इसको पानी पुनी तो कोई डालते नहीं, तो मैंने कहा चले आज नेकी का काम ये मैं ही कर लूँ। अल्लाह पाक ने कहा मेरे हिस्से में ये नेकी लिखी है, तो इस नेकी को करने से गुरेज नहीं करना चाहिए, ये नेकी करते हैं और ये इसको डालेंगे जी हम पानी थोड़ा सा, क्योंकि क्योंकि आपको पता है जैसे हर इंसान को पानी की ज़रूरत होती है, इसी तरह पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। अगर उनको पानी ना दिया टाइम पर तो ये मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं, तो इसको भी ज़रा हम कर देते हैं जी, सेट कर देते हैं ये इसको। अब मैंने दे दिया है जो दीवार का सहारा ताकि ये लटके ना और मुरझाए ना। मैंने कहा ये भी डाल दें, ये एक्चुअली है टमाटर का पौधा, तो इसको पानी दे दें ताकि इसकी जो मिट्टी है ना वो अच्छी तरीके से सारी की सारी गीली हो जाए। घर वालों ने बना रखा सभी लगा रखा है टमाटर का पौधा। आज करते जा रहे हैं कुछ ना कुछ काम, अभी पहले हम लोग मैंने होना रेडी, रेडी होने के लिए मुझे जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि छत पे बैठे बैठे तो रेडी होने से रहा मैं, अब मैं नीचे जाऊँगा रेडी होऊंगा, रेडी होकर फिर मिलते हैं आपसे। मैं नहा लिया, मैंने चैलेंज पूरा कर लिया। माय गॉड, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं यार? आपको पता सर्दी बहुत है। मैंने अच्छा आने के बाद ना सभी फिर होगी मजबूरी, लेकिन कोई नहीं आपको पता है इसी आपके लिए मैंने चैलेंज वो किया एक्सेप्ट, वरना मैं चैलेंज ये कभी नहीं करने वाला था, लेकिन कोई नहीं नहा लिया, नहा दोगे कैसा लगा आपको भाई? नहाया धोया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलो अब नमाज़ पढ़ते हैं, आप भी नमाज़ पढ़ें फिर करते हैं स्टार्ट। और नहाने के बाद आपको पता है ठंडी नहीं हुआ पड़ती है तो बंदे का क्या हाल है, तो मेरा भी उसका वही हाल है। लेकिन मेन मकसद मेरा सिर्फ ये था कि मैं आपको दिखा दूँ, हालांकि सूरज भी निकला हुआ लेकिन उसके बावजूद हवा इतनी तेज़ है और कह रहे हैं कि पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब में 13 से 15 तारीख तक शदीद सर्दी पड़ने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो बी केयरफुल, अपने आप को ढक के रखें। अच्छा और जो चैलेंज मैंने आज किया यानी नहाने वाला वो कभी ना करें भाई, ठंड बहुत है। गाइस वीडियोस के अंदर आगे कॉपीराइट क्लेम, अब देख रहा हूँ कहाँ से आगे किस तरह से आगे, ये देखें प्रीव्यू पे लगी हुई है वीडियो, अपलोड किया था व्लॉग, तो व्लॉग अपलोडिंग के दौरान ही उन्होंने मुझे एरर दे दिया कि आपकी वीडियो के अंदर कॉपीराइट क्लेम है, मैं उसको सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें प्रोसेस पे लगी हुई है, करते हैं कुछ ना कुछ। पढ़ा रहा था बच्चों को, पढ़ाते ना एक वो कह लें ये है चैप्टर उन्होंने दे रखा जश्न आज़ादी मुबारक, उसमें बता रखा तोता किस तरह से बातें करता, तोता
अच्छा कहता है कि भाई जश्न आज़ादी मुबारक आप सबको, आप दोनों को भी जश्न आज़ादी मुबारक। तो ये आपको नज़र आ रही होगी बुक हमारे दौर में ना, मतलब ये कहते हैं डीपली, सॉरी डीपली कह दिया, हाँ डीपली भी कह सकते हैं, डिटेल के अंदर हुआ करता था कंटेंट बच्चों को पढ़ने के लिए। अब वो जो है ना जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और ख़ासतौर पाकिस्तान की आवाम को ना पढ़ाई के नाम पर वो मवाद प्रोवाइड नहीं किया जा रहा जो एक्चुअली पहले किया जाता था या जो किया जाना था। ओके अभी आप देख रहे हैं ना बुक मेरे सामने जो नज़र आ रही है, ये इतनी सी बुक है, इसके अंदर कितने कितने उन्होंने डाल रखे हैं, कितने चैप्टर एड है इसके अंदर? अरे 20 नहीं, मतलब कितनी किताबें इसके अंदर ऐड है, कौन कौन से चैप्टर है, मतलब उर्दू और इंग्लिश। अच्छा यानी आप देखें ये इतनी छोटी सी बुक है उसके अंदर उर्दू इंग्लिश है, और इसमें मेरा जानते ख्याल है वो मवाद भी नहीं होगा जो हम लोगों ने पढ़ा या जो आज से लोग 5 साल पहले या 10 साल पहले पढ़ चुके ना। ओके लेकिन सही है जो भी है, हम कह सकते हैं हमारी हुकूमत है, हमारी हुकूमत है जैसे चलाना बच्चों को वही चला सकती है, हम तो कुछ नहीं कह सकते है कि समाविया बच्चे हंस रहे हैं। मेरी बात को कह रहे हैं पता नहीं क्या हो गया भाई को क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको अपने व्यूवर्स को बताना चाह रहा हूँ मैं पढ़ा सकता हूँ भाई, मैं पढ़ा सकता हूँ। चल रही है मुझको लग रही है सर्दी, मेरे पीछे खिड़की नजर आ रही है और खिड़की में से इतनी तेज आवाज आ रही है कि मुड़ के जा सकता हूँ कहीं भी, दीवार में लग सकता हूँ। कौन है ये लोग? लेकिन नहीं ऐसा नहीं होगा, मैंने जेब में डाल रखा है मोबाइल फोन दूसरा वाला, इसलिए मैं नहीं उड़ सकता, मैं नहीं उड़ सकता, मैं नहीं उड़ूंगा। अभी कह रहे मुझको बाहर नहीं जाने देने, कह रहे तुम्हें बाहर नहीं जाना, तुमने बच्चों को पढ़ाना है, दो बच्चे आए हुए हैं इनको मैं पढ़ाऊं, अब मैं खुद भी पढ़ाऊं उनको पढ़ाऊं, क्या क्या करूं मैं? अच्छा हमको सिखा रही है, क्या क्या करूं मुझे बताओ, कोई तो बता दो, कोई तो बता दो गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज। आई लाइक योर पिंक शर्ट बीना, आई लाइक योर ब्लू शर्ट। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं है, आपने समझा कोई, आप नहीं कर रहा, मैं आपको नहीं कर रहा, पढ़ा रहा बच्चों को। इसको कैसा लगा आज का हमारा व्लॉग, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। कल इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।